दोस्तों मोटो ने अपना नया स्मार्टफोन मोटो एज 50 को लॉन्च कर दिया है आज। ये एज सीरीज़ का नया जो 50 वाली सीरीज़ है उसका ये लगभग फोर्थ फ़ोन है। इससे पहले मोटो एज 50 फ्यूज़न, एज 50 प्रो और 850 जो अल्ट्रा है वो भी आ चुके हैं। हालांकि इस जो ये फ़ोन है ये लगभग ऑलमोस्ट परफेक्ट फ़ोन एक बनाने की कोशिश की गई है अंडर 30,000। जो इसकी फ़िलहाल कीमत है वो मैं आपको बता दूँ कि ये ऑफ़र में 25,999 का मिल रहा है कि 25,999 का मिल रहा है, 25,999 का, यानी कि 26,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है जो 8 GB रैम और 256 GB वाला है। बाकी तीन अलग अलग कलर्स में है, एक तो पीच फज कलर है जो बहुत पॉपुलर है और एक है इनका कोयला ग्रे कलर, यानी कि आप मान सकते हैं हल्का सा ब्लैकिश टोन में आपको वो देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा एक है ग्रीन कलर जिसको जंगल ग्रीन का नाम दिया गया है। तो ये तीन कलर्स हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हैं। एज सीरीज़ के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं सबकी जो मेन हाईलाइट रहती है वो उनकी डिस्प्ले रहती है, कर्व डिस्प्ले में आते हैं। तो इसके अंदर भी आपको 6.7 इंच की 1.5K सुपर पी ओलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है इसके अंदर है और 1900 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस जाती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसके अंदर अवेलेबल है। एल्युमिनियम फ्रेम से ये जो हमारी बॉडी है इसकी वो बनी है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की, इसके अंदर प्रोटेक्शन है। अंडर 30,000 ये उन चुनिंदा फ़ोनों में से है जिनके अंदर आपको IP68 की रेटिंग मिलती है, यानी कि यहाँ वाटरप्रूफ होने का दावा ये ठोकते हैं। और इस बार इन्होंने मिलिट्री ग्रेड जो इनका सर्टिफिकेशन है वो भी दिया है, यानी कि हाई टेम्परेचर पर आप इसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और रफ़ कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन ज़्यादा ऊंचाई से गिर भी जाएगा तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कर्व डिस्प्ले में डिस्प्ले टूटने का जो खतरा रहता है भाई वो बहुत ज़्यादा होता है, ये बात आप सब भी जानते हैं। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 7 Gen 1 AE वाला वेरिएंट देखने के लिए मिलता है। AE का मतलब होता है एक्सेलरेटेड एडिशन। थोड़ा जो नॉर्मल हमारा प्रोसेसर है 7 Gen 1 उसको ओवरक्लॉक कर दिया गया है और इसको लॉन्च किया गया है इस स्मार्टफोन के अंदर। अगर हम बात करते हैं कोर्स की तो यहाँ पर ऑक्टा कोर CPU है जहाँ पर 4 कोर्स मिलती हैं कोर्टेक्स A710 की और 6 कोर मिलती हैं कोर्टेक्स A510 की जो एफिशिएंसी है काम में आएंगी। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी है और स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है उसके अंदर आपको एड्रिनो के GPU देखने के लिए मिलते हैं। तो एड्रिनो 644 GPU हमें इसके अंदर देखने के लिए मिला है जो आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग करवाएगा। एंड्रॉयड 14 पर ये आया है और इसके अंदर आपको हेलो UI मिला है। बाकी 2 साल के आपको यहाँ पर एंड्रॉयड अपडेट देखने के लिए मिलेंगे और 4 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, ये कंपनी ने प्रॉमिस किया। ये काफ़ी अच्छी बात है कि मोटोरोला अब जो है अपडेट्स पर भी काफ़ी ध्यान दे रहा है और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। अगर हम बात करते हैं इसके कैमरा की जो कि मेन हाईलाइट हम कह सकते हैं इस स्मार्टफोन की, क्योंकि इस प्राइस में ऐसा कैमरा शायद ही कोई प्रोवाइड कर रही है कंपनी, कि इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है 50 MP का प्राइमरी सेंसर, इसके अंदर OIS है और ये सोनी का सेंसर है और इसके अलावा जो 10 MP का है वो टेलीफोटो लेंस है इसके अंदर आपको अवेलेबल है। अभी बाकी कंपनी क्या कर रही है, अल्ट्रा वाइड तक अपने जो फोन उसमें निकाल रही हैं, बट ये अल्ट्रा वाइड के साथ साथ टेलीफोटो भी अंदर लेकर के आ रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और ये 25,000 के आसपास अगर फ़ोन मिल रहा है तो मैं कहूँगा दैट्स अ गुड डील, आपको इस फ़ोन की तरफ ज़रूर जाना चाहिए अगर आप अंडर 27,000 के आसपास कोई स्मार्टफोन तलाश रहे हैं जहाँ कि आपको परफेक्ट एक कॉम्बिनेशन मिल जाए और एक ऑलराउंडर फ़ोन अगर आपकी नज़र में है, आपकी इच्छा है उसको बाय करने की, तो मैं ये आपको बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इसको बाय कर सकते हैं। 13 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर है जो मैक्रो सेंसर की तरह काम करता है और इसके अंदर 32 MP की आपको सेल्फी भी देखने के लिए मिलती है। सबसे अच्छी बात ये कि इसके सेल्फी कैमरा से और रियर कैमरा से दोनों से ही आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K एट 30 FPS का दोनों में ही आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलता है फ्रंट और रियर कैमरा की दोनों की वीडियो में। इसके अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने के लिए मिलते हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस फोन की जो लगी, इसके अंदर आपको ट्रिपल माइक्रोफोन देखने के लिए मिलता है, जहाँ एक माइक्रोफोन आपको मिलता है नीचे की तरफ, बॉटम में एक मिलता है टॉप की तरफ और एक मिलता है आपको पावर बटन के नीचे। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑडियो क्वालिटी है ना, आपकी ये फ़ोन पर बात करेंगे या वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तब भी आपकी ऑडियो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव रहेगी अगर आप 3-3 जो माइक्रोफोन्स हैं उनसे आपकी आवाज़ आती है, तो ऐसे में नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी अच्छे लेवल पर होगा। 5000 mAh की बड़ी बैटरी है और 68W का बड़ा चार्जर है, टर्बो चार्जर इसको बोलते हैं, तो ये आपके जो फ़ोन को लगभग 1 घंटे के आसपास कंप्लीट चार्ज कर देगा, यानी कि ओवरऑल आपका फ़ोन अगर आप सुबह चार्ज करते हैं तो काफ़ी हैवी काम करने के बाद भी शाम तक आराम से चल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, और नॉर्मल टास्क करते हैं तो फिर आप 2-3 दिन भी इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ मोटो का एज 14 यू है मेरे पास। मोटोरोला के जो फोन्स की
जो बैटरी कैपेसिटी है काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी अच्छा बैकअप प्रोवाइड करते हैं। मैं मॉर्निंग में फ़ोन को चार्ज करता हूँ तो अगर उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने के बाद भी आराम से 9-10 बजे तक मेरा फ़ोन ईजिली चल जाता है, जबकि मैं 24 आवर्स अपना नेट को ऑन ही रखता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है हमारे ये फ़ोन। 8 अगस्त को पहली सेल है इसकी फ्लिपकार्ट पर और ये 27999 का है, 8 GB रैम 256 GB का वेरिएंट। हालांकि ऑफर में आपको इंट्रोडक्टरी ऑफर में 2000 ऑफ मिल रहे हैं, लेकिन 26000 में इस फ़ोन को लेने का आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। ओवरऑल मेरा कंक्लूजन यही है भाई, देखो बेस्ट फ़ोन है। हालांकि मोटोरोला ने इसमें ये नहीं कहा कि हम आपको बेस्ट प्रोसेसर दे रहे हैं या बेस्ट कैमराज दे रहे हैं, मतलब सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना करके थोड़ा सा प्रोसेसर में इससे अच्छी परफॉर्मेंस के फ़ोन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको हाई एंड गेमिंग करनी है, हाई एंड परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप और फोन की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आपको एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए, सब चीज़ आपको परफेक्ट चाहिए, तो ऐसे में मोटो एज 50 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ये मेरे ओपिनियन थे, बाकी आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।